आरआरआर मूवी जिसने आते सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। केवल नॉर्थ इंडिया की बात करूं यानी हिंदी बेल्ट की बात करूं तो यहां पर इस मूवी ने तकरीबन 20 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस किया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो इस मूवी ने 156 करोड़ रुपए कमाए हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यानी बाकी के बाहर के देशों में इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने एक दिन के अंदर 223 करोड़ रुपए कमा डाले हैं। मतलब छा गई है मूवी, बहुत बढ़िया एक तरीके से इसको रिस्पॉन्स मिला है। स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अब मूवी की स्टोरी की बात कर लेते हैं। मूवी के ट्रेलर से इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसके अंदर जो स्टोरी है वो जब अंग्रेज भारत के अंदर शासन किया करते थे उस टाइम पीरियड को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, जहां पर फ्रीडम फाइटर जो है वो अपने देश को आजाद कराने के लिए काफी सारे प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। SS राजामौली जी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे इतिहास को अंग्रेजों ने बहुत बदल के रख दिया है, यानी कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया जाता रहा है, हमने कभी असली इतिहास को जाना ही नहीं। एक तरीके से भारत को एक पिछड़ा देश बताया गया है, बाकी के देशों के सामने ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, यहां पर गरीबी है, भुखमरी है, ये लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये वही अंग्रेज हैं जो 1948 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था तो 1948 के अंदर यूएस के तो यानी अमेरिका के हाथों ये यूके जो है वो 6.5 बिलियन डॉलर में बिक जाता है। वो बिकने वाले लोगों ने हमारे देश को एक तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा था कि ये भाई साहब ये तो सांप सपेरों वाला एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है, ये अच्छा देश नहीं है। खैर मूवी के ऊपर फोकस करते हैं कि जैसे राजमौली सर ने कहा है कि हम अपने आप ही डिसाइड करेंगे कि हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैसे दिखाना है, हमें हमारे इतिहास को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने इस स्टोरी के माध्यम से रखा भी है। इस मूवी की सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगी इसके विजुअल्स, इसके सिनेमेटोग्राफी, यार इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। आप थिएटर में जब देख रहे हो, आसपास लोग बैठे हैं, किलकारियां गूंज रही हैं, जब भी आपके सामने जब इंट्रोडक्शन आता है, रामचरण सर का जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिस तरीके का उनको स्टार्टिंग के अंदर दिखाया जाता है, एकदम से सबको वो डरा देते हैं, इतना बढ़िया वो लगता है। फिर उसके बाद जूनियर NTR सर का जब इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जब वो शेर के मतलब शेर उनके पीछे दौड़ रहा है और जब वो दहाड़ते हैं, भाई बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब जो हमने एक ट्रेलर में देखने वो तो एक एक्चुअल में बहुत कम था, बहुत मामूली सा, जब आप थिएटर में देख रहे हो ना इस मूवी को, एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। और एक दो सीन है जो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, जो कोई इसमें आपको स्पॉइलर नहीं मिलेगा। जो शेर का जो सीन दिखाया जाता है, जिसमें आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जब जूनियर NTR जो वो दहाड़ते हैं, तो वहां पर एक लाइन जब उनके द्वारा बोली जाती है तो वो इमोशनल जो लाइन होती है ना, वो मुझे बड़ी पसंद आती है। फिर एक और सीन आता है जिसके अंदर क्या होता है कि जूनियर NTR सर क्या करते हैं कि कुछ जानवरों को कहीं पर छोड़ रहे होते हैं, खैर वो मैं नहीं बताने वाला कहां पर छोड़ते हैं। वो वाला विजुअल आप देखो ना, इतना जबरदस्त है, इतना सुंदर आप लोगेगा, मतलब कि पैसा वसूल वाली बात आ जाती है वहां पर, इतना बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मूवी के अंदर इमोशन भी है, मतलब कि इमोशनल एंगल का भी ध्यान रखा गया है। स्टोरी अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है, आप इसका बैकग्राउंड म्यूजिक देखते हैं, कहीं कहीं पर स्लो मोशन वाली चीजें आ जाती हैं, तो कुल मिलाकर मूवी आपको एंटरटेनमेंट का धमाका मिलेगा। अजय देवगन सर का भी रोल इसके अंदर रखा गया है, लेकिन उनको इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आलिया भट्ट के साथ भी ऐसे कह सकता हूँ कि टाइम कम दिया गया है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मुझे वो भी लगा। मूवी में सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगने वाला है, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और पैसा वसूल वाली एक और जो चीज मैं कह सकता हूँ कि लास्ट में रामचरण सर जी हैं, वो श्री राम भगवान का जब एक तरीके से उनके वेशभूषा में उनको दिखाया जाता है, और जैसे वो धनुष बाण चला रहे होते हैं, यार इतना बढ़िया हमें वो लगता है, जैसे कि आग में से निकल कर वो एक तीर जा रहा है। आपने थे उसको ट्रेलर के अंदर भी देखा होगा, और जब एक्चुअल में आप बड़ी स्क्रीन पर देखते हो तो बहुत आपको एक बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत मतलब उसके लिए तो मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा, इतना सुंदर दृश्य मुझे वो लगा जब मैं उसको देख रहा था, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि वो श्री राम भगवान का जो वेशभूषा इसके अंदर लास्ट में दिखाई जाती है, वो काफ़ी टाइम तक हमारे सामने रहती है, कोई ऐसा नहीं कि वो एक दो मिनट के लिए, नहीं, वो उसको काफ़ी टाइम तक मेंटेन करके रखा जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। वो जो राम
सीता का जैसे इसके अंदर कॉन्सेप्ट दिखाया गया, बहुत बढ़िया। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो पैसे वसूल वाली बात है ना, वो लास्ट में जाके कंप्लीट हो जाती है, विजुअल से भी हो जाती है, स्टोरी अच्छी है, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें गिना दी, कुछ तो नेगेटिव होगा। हाँ, नेगेटिव के मामले में इतना कह सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ काफी इंटरेस्टिंग था, मुझे स्टोरी बिल्ड हो रही थी, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था, विजुअल्स बहुत अच्छे थे। जैसे ब्रिज वाला एक विजुअल आता है जिसके अंदर जूनियर एनटीआर सर और जो रामचंद्र सर है वो ब्रिज के दोनों तरफ से ऐसे कूदते हैं, वो बहुत अच्छा मुझे लगा वहां पर। एक जो सॉन्ग मैं आपको बताना भूल गया, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, नाचो नाचो, बहुत कम हमें झलक दिखाई गई है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में आप देखो कि थिएटर के अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से उनका जो उन्होंने डांस रिप्रेजेंट किया है। मैंने बॉलीवुड के सॉन्ग देखे हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग में इतना मुझे वो मजा नहीं आता, या फिर कहीं मुझे डांस समझ नहीं आता, अलग ही तरीके के उनके डांस चलते हैं, लेकिन आप साउथ इंडिया के जो डांस देखते हैं ना, वो बड़े फ्री एक टाइप का होता है, बहुत अच्छा लगता है और खुद पैर थिरकने लग जाते हैं। तो सेम ऐसा ही इस डांस के साथ मेरे साथ हुआ कि भाई यार बड़ा मजा आया, मतलब मैंने बहुत इंजॉय किया इस सॉन्ग को, बहुत अच्छा लगा। और जो नेगेटिव बातों में जो कर रहा हूं कि फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है, सेकंड हाफ में थोड़ी सी कमी आ जाती है एज कंपेयर टू फर्स्ट हाफ से, मतलब कि कम इंटरेस्टिंग हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंटरेस्ट कम, थोड़ा सा कम होता है फर्स्ट हाफ से। मुझे ओवरऑल मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी, खासकर लास्ट वाले सीन की अगर मैं बात करूं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो मैं डेफिनेटली रिकमेंडेड जरूर करना चाहूंगा कि जाओ अपनी फैमिली के साथ देखो, कोई भी इसके अंदर जैसे होता है ना कि बकवास चीज या एडल्ट चीज है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं दिखाया, बहुत साफ सुथरी और एक अच्छा कुछ एक एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा, बच्चों के साथ जाएंगे तो कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो डेफिनेटली जाइए और इस मूवी को देखिए। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।